अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MIUI 10 के नए अपडेट 8.11.8 में क्या नया आया है। दोस्तों 8.11.8 का मतलब 8 नवंबर 2018, लेकिन ये अपडेट आई है 9 नवंबर को, क्योंकि ये बीटा अपडेट है, वीकली अपडेट है, डेवलपर अपडेट है और ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को आती है। तो चलिए चल करके देख लेते हैं सिस्टम अपडेट के व्हाट्स न्यू में कि हमें क्या कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमेशा की तरह दो ही चीज़ें, ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इंप्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इस बार इन्होंने कुछ नया लिखा है, यहाँ पे भी इन्होंने सिस्टम लगा दिया है, ना पहले होता था ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस और ये दूसरा वर्ड नहीं होता था, सिर्फ होता था इंप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस अपडेट में सच में क्या कुछ नया मिल जाता है। तो अगर हम लोग जाएंगे क्रोम में और जाएंगे इनके वेबसाइट पे फोरम पे, तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि इस बार क्या कुछ नया आया है। जैसे कि पोको फोन में हिडन ऐप काम नहीं कर रहा था, उसे फिक्स कर दिया गया है। या फिर दोस्तों कांट फाइंड सिक्योरिटी ऐप इन सेटिंग्स, सेटिंग्स में आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं मिलता था, उसे भी फिक्स कर दिया गया है। डिजिटल मैसेज स्टोर्ड ऑन सिस्टम ऐप्स अपडेटेड बट देयर आर नॉट एप्स नीडेड टू बी अपडेटेड। कई बार क्या होता था कि ऊपर नोटिफिकेशन आता था कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अपडेट नहीं है, अपडेट कर लीजिए, उसे भी फिक्स कर दिया गया है। नोटिफिकेशन शेड शोज ब्लैंक, और यहाँ पे दोस्तों कभी कभी आता था कोई नोटिफिकेशन तो वो ब्लैंक दिखाता था, कुछ भी नहीं शो करता था, उसे भी फिक्स कर दिया गया। तो बस ये दो ही चीजें लिखे हुए हैं कि फिक्स किया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे लिंक्स वगैरह देखेंगे तो बहुत सारे डिवाइसेस के लिंक दिए गए हैं जिसमें अपडेट आया है, और अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेडमी 5 में ओरियो का अपडेट आ चुका है। लेकिन दोस्तों बाकी सभी डिवाइसेस में वही है, लेकिन दोस्तों Redmi 5 में ओरियो का अपडेट आ चुका है। तो अगर आपके पास है Redmi 5 तो अपडेट करके देख लीजिए, आपको ओरियो का जो अपडेट है वो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मैं नोट्स में जाकर के देख लेते हैं क्या कुछ नया मिलता है। तो सबसे पहले बैटरी परसेंटेज बार के अंदर हो गया है। अब ये चीज मैंने आपको पिछला अपडेट में भी बताया था, लेकिन दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं कि पिछला अपडेट में क्या था कि एक फोन में आया था दूसरे फोन में नहीं आया था। यानी कि आपने देखा होगा पिछला अपडेट भी मैंने दोनों फोन के साथ बनाया था, तो एक फोन में बाहर था एक फोन में अंदर था। लेकिन अब आप देख सकते कि दोनों ही फोन में दोस्तों बैटरी परसेंटेज यहां पे बिल्कुल अंदर है। तो इस बार जो है सारे हर एक फोन में बिल्कुल बैटरी परसेंटेज को अंदर कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ टेक्स्ट साइज डिस्प्ले चेंज इन Redmi Note 4 2। जी हां दोस्तों, पिछला भी अपडेट में यही था कि अगर आप टेक्स्ट साइज में जाते थे डिस्प्ले के अंदर में, तो यहां पे Redmi Note 5 Pro में तो इस तरह का दिखाता था, लेकिन Redmi Note 4 में पुराने स्टाइल में था। तो ये भी आ चुका है अब Redmi Note 4 में भी। तो अब लगता है सारे डिवाइसेस में ये स्टाइल आ गया है, सारे डिवाइसेस में यहां पे जो बैटरी आइकन है वो अंदर में आ गया है। उसके बाद हमें क्या मिलता है दोस्तों, तो आपको यहीं पे डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा। इसमें जो आप सेटिंग देख रहे हैं ये आपको कुछ इस तरह का देख रहे हैं, लेकिन अगर आप Redmi Note 5 Pro में देख रहे हैं तो कुछ इस तरह का देख रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है चेंजिंग कर दिया गया है। Redmi Note 5 Pro में बबल टाइप का स्टाइल हो गया, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर में पूरा चिपका हुआ नहीं है, कॉर्नर से थोड़ा सा अलग है। लेकिन Redmi Note 4 में देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पहले जैसा है, चिपका हुआ है। तो यहाँ पे ये ज्यादा लग रहा है खूबसूरत देखने में। तो हो सकता है कि एक दो अपडेट के बाद Redmi Note 4 में भी यही स्टाइल का सेटिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन Redmi Note 5 Pro का जो सेटिंग है दोस्तों वो भी अभी पूरा का पूरा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये वाला स्क्रीन जो है बबल स्टाइल में है, वरना किसी भी सेटिंग के अंदर जाएंगे तो फिर तो दोस्तों वही पुरानी जैसी स्टाइल मिल जाती है। तो अगर सेटिंग के सभी के अंदर दोस्तों वो लोग चेंज कर दें तब ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ओरियो अपडेट इन Redmi 5। मैंने आपको जैसे बताया कि Redmi 5 में ओरियो का अपडेट आ गया है, अभी तक आप लोगों का नोगट था, तो अगर आपको 8.11.8 का मिला होगा तो यहाँ पे ओरियो का अपडेट आ गया होगा। हालांकि उसका एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल अभी भी अगस्त का ही है। लेकिन दोस्तों ओरियो का अपडेट आने के बाद सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि ड्यूल 4G आ चुका है Redmi 5 में। यानी कि अगर आपके पास Redmi 5 और वो जानते हैं स्नैपड्रैगन 450 पे काम करता है, तो स्नैपड्रैगन 450 एक नया प्रोसेसर है जो कि ड्यूल 4G को काम करता है, सपोर्ट करता है। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में, तो यहाँ पे आपको ड्यूल 4G का ऑप्शन मिल जाएगा Redmi 5 में भी दोस्तों। तो आप आसानी से ड्यूल 4G का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे भाई देखो ड्यूल 4G Redmi 5 में काम करेगा क्या, Redmi Note 5 में काम नहीं करेगा? नहीं भाई, Redmi Note 5 जो है स्नैपड्रैगन 625 पे आता है जो कि सपोर्ट नहीं करता ड्यूल 4G को, इसलिए Redmi Note 5 पे काम नहीं करेगा, Redmi 4 पे काम करेगा। तो बस यही बात है दोस्तों, ये सच्चाई आपको अपने आप में घोट के पी लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मिलता है कि Redmi 5 में या फिर कुछ कुछ डिवाइसेस में कैमरा काम नहीं कर रहा है। हालांकि दोस्तों और सभी डिवाइसेस में तो कैमरा काम कर रहा है, जैसे कि Redmi Note 5 Pro वगैरह में सब में काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों Redmi 5 में हो सकता है कुछ लोगों का अभी कैमरा काम ना करे, या फिर कुछ और डिवाइसेस में दोस्तों कैमरा काम ना करे, तो यह जो बग है ये कुछ कुछ डिवाइसेस में आया है। तो मैं कहूंगा उनको एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा कैमरा को काम कराने के लिए। नेक्स्ट मिलता है कि एंटी रोलबैक को इनेबल कर दिया गया Redmi 5 में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही अपडेट आया है Redmi 5 में उसी के साथ साथ दोस्तों एंटी रोलबैक इनेबल हो चुका है। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के अपडेट कीजिए कि आपको एंटी रोलबैक चाहिए नहीं चाहिए। मेरा Redmi Note 5 Pro में भी एंटी रोलबैक है, जिसके कारण दोस्तों मैं डाउनग्रेड नहीं कर सकता हूँ। उसी तरह से Redmi 5 में भी एंटी रोलबैक इनेबल हो चुका है। तो अगर आपको ज्यादा जानना है एंटी रोलबैक के बारे में तो लिंक
छोड़ दूंगा यहाँ कार्ड पे या डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि एंटी रोलबैक क्या होता है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट दोस्तों जो कि 4-5 दिन हो चुके हैं आए हुए, वो है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर तो हालांकि दोस्तों इसका अपडेट आता है प्ले स्टोर से, तो अब अगर आप जाएंगे फाइल मैनेजर में तो उसके बाद आप देखेंगे कि कैटेगरीज अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में जाएगा। तो यहाँ पे आप फाइल मैनेजर में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें। मान लीजिए अगर आप डॉक्यूमेंट की कैटेगरी पर टाइप करते हैं तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का चीज़ दिख रहा है, या फिर वीडियो का कैटेगरी पर टाइप करते हैं। देखिए दोस्तों ऐड तो आएगा ही, मतलब ऐड तो परेशान करेगा। वीडियो के कैटेगरी पर टाइप करते हैं तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का आ रहा है। तो ये मैंने अभी अपडेट नहीं किया दिखाने के लिए आपको कि अभी ये पहले जैसा है, लेकिन अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे फाइल मैनेजर में दोस्तों या Redmi Note 4 में जो कि मैंने अपडेट कर लिया है, तो अब मैं डॉक्यूमेंट में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ऊपर में ऑल PDF वर्ड एक्सेल सब दे रहा है, जो कि इसमें जो है बिल्कुल सिंपल का दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से डॉक्यूमेंट को आप सॉर्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा वीडियोज में तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि वीडियोज में भी यहाँ पे कुछ इस तरह का चीज दे रहा है। तो वीडियोज दे रहा है और यहाँ पे एल्बम दे रहा है जहाँ पे आप देख पाएंगे आप कुछ वीडियोज, तो ये काफी जबरदस्त चीज है। उसके बाद दोस्तों यहां पे जाएंगे इमेजेस में, तो इमेजेस में भी कुछ इस तरह का मिल रहा था, इमेजेस और एल्बम। तो इस तरह से दोस्तों फाइल मैनेजर को काफी ज्यादा स्मार्ट बना दिया गया है। एपीकेज में जाएंगे तो एपीके पूरा सेम है, क्योंकि दोस्तों एपीके में कुछ अलग होता नहीं है। डाउनलोड्स में जाएंगे तो डाउनलोड्स भी थोड़ा सा सेम ही टाइप का आता है दोस्तों। तो यहां पे म्यूजिक में आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, ये भी सेम है। तो कुछ कुछ चीजें जो है अपडेट की गई है, बाकी का दोस्तों आप लोग खुद ढूंढ लीजिए कि नया क्या है, क्योंकि दोस्तों इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नया नहीं मिला है इस अपडेट में। लेकिन फिर भी दोस्तों ये अपडेट काफी बढ़िया तो नहीं है, ठीक ठाक अपडेट है, चलेगा अपडेट दोस्तों। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। और सो के उठाओ यार, इसलिए ऐसा लग रहा हूँ। और एक लास्ट बात दोस्तों कि यहाँ पे कैसे अपडेट करना है उसका भी तरीका चेंज कर दिया गया। अब कुछ आप अपडेट करेंगे तो इस तरह का मैसेज देखेंगे डिवाइस पे, डिस्प्ले पे। अब आप पूछेंगे कि मुझे इतना सारा डीपली नॉलेज कहाँ से मिलता है, मैं आज आप लोगों को बता दूं कि आज जितने भी पता चला है मुझे फीचर्स, वो सब कुछ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से पता चला है। तो अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पहले ही खबर मिल जाता है कि क्या कुछ नया आया है।